नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालीमार बाग विधानसभा वार्ड 56 में। साथ में हमारे संत कुमार संजय शिवहरे जी हैं जो कि मंत्री नियुक्त हुए वार्ड 56 से भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहला स्वागत है आपको सर। नमस्कार सर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल, आपका जो राजनीति की शुरुआत है और आपको पार्टी ने भी मंत्री की जो जिम्मेदारी दी है सर, कैसा लग रहा आपको सर? जी मेरा बहुत अच्छा लग रहा। मैं पहले भी एक्टिव था, एक्चुअली मेरे को पद की कोई ज़रूरत नहीं थी। okay. आप कहीं भी नाम मेरा ले सकते हैं, शिवहरे जी नाम से। आदेश गुप्ता जी हमारे लेसन में ही हैं, हमारे परिवार से ही हैं वो भी। तो उनसे काफ़ी, जब वो मेयर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब मेयर बने थे तब भी उनके आना जाना था। बहुत अच्छा रिलेशन उनका, बड़े भाई साहब हमारे वो बलराम गुप्ता जी हैं, उनके छोटे भाई, मैं उनका छोटा भाई की तरह हूँ। और वार्ड नंबर 56 में मेरे को अभी, इससे पहले तो एक्टिव था, मैं बहुत एक्टिव था काम करने। उन्होंने बोला आपको भाई, मेरा रेस्टोरेंट भी है। ओके। हाँ, चित्रकूट के नाम से चित्रकूट रेस्टोरेंट है मेरा, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो भी जिम्मेदारी दोगे मैं उसके पूरी तरह अपनी तरफ से पूरी तरह कम्फर्ट रहूँगा, कर्तव्य का पालन करूँगा। जो भी आप मेरे को बोलोगे किसी काम के लिए भी, इस टाइम जो हमारा जो धर्म जागरण परिषद का हमारा एक अभियान हमारा चल रहा है, उसका मैं अध्यक्ष, जिला के जिला सरस्वती विहार का अध्यक्ष हूँ मैं। तो हमें भी दायित्व दिया गया है, और वार्ड नंबर 56 का भी दायित्व दिया गया है, 56 में मंत्री बनाया गया मेरे को। तो मैं रेखा जी का बहुत आभारशाली हूँ। तो उन्होंने अपने लायक मेरे को, इस लायक समझा के मेरे को मंत्री का पद दिया। सर, मेरा आपसे सवाल है, आप जैसे पार्टी से जुड़े हैं काफ़ी, आप संगठनों से भी जुड़े हैं, आप तो लोगों की जो भी आप सेवा भाव कर रहे हैं, किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं? जी, एक तो हमारी जो कन्यादान, एक कन्यादान हमारा ट्रस्ट है जी। उसमें भी हूँ मैं। जितने भी कन्याएं आती है फ्री कॉस्ट, जो गरीब होती है उनके हम विवाह वगैरह सारा खर्चा हम अपने तरफ से करते हैं। बलराम जी उसके संयोजक है, मैं भी संयोजक हूँ उनमें। और धर्म जागरण परिषद का अध्यक्ष भी हूँ, जिसमें हमने अभी पीछे प्रोग्राम कराया था, 11 कुंडी हवन का प्रोग्राम कराया था अपने ज़िले में। उसमें सभी श्याम जाजू जी, आदेश गुप्ता जी, बड़े बड़े लोग आए थे। मगर हमारे हमारी संस्था जो है निचले, जो हमें धर्म को फैलाना है, जो धर्म प्रवर्तित होता है उसको रोकना, और जो हमारा है श्री राम जी का जो भव्य राम मंदिर बन रहा 22 तारीख को हमारे जी। उसमें हमने अपनी मार्केट में स्किन लगवा के हर घर में दिए के जलने, एक संकल्प देना है कि हम अपने घर में 5 दिए मैं खुद बांटूंगा इसको, और अपने मैसेज डालूंगा, मेरे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट 5 दिए हर एक घर में लेके जाए जिसको ज़रूरत है। अगर नहीं मिल रहा तो मैं दूंगा उसको दिए, अगर तेल नहीं मिल रहा तो मेरे साथ तेल भी नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, सर्दियों में जैसे सर अभी इसमें कड़ाके ठंड पड़ रही है, तो काफ़ी गरीबों को लेके भी आपने मदद करते हैं आप, जैसे गरीबों को कपड़ों से लेके या कंबल से? तो इस पर अभी राजकुमार भाटिया जी ने स्वेटर अभियान चलाया है, जैसे उसमें भी मेरा योगदान रहा है, वो भी काफ़ी उनसे मैं जुड़ा हूँ। पहले हमारे केशवपुरम के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, अब वो है इस टाइम मान्य निगम पार्षद हैं, तो उनके साथ मैं जुड़ा हूँ। जैसे हमारी संस्था, मैं हर साथ हर किसी साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि मैं हर सबके साथ जुड़ के, और जितना हो सके मेरे हाथों उतना ही मैं सबका कार्यक्रम करूँ, और अपने हाथों से गरीब जैसे निचले लोगों की उनकी सहायता करूँ। हाँ, मेरी इच्छा ही है सर। आपके कहीं ना कहीं पिताजी भी कहीं ना कहीं समाज सेवा में या भाजपा से जुड़े हैं सर, सबसे पहले उनका नाम बताइए सर। श्री मनीलाल जी नाम उनका। अच्छा। इस टाइम सुमेरपुर है, हमीर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, सुमेरपुर हमारा गाँव पड़ता है, वहाँ पर हैं। और हमने अभी भंडारा कराया था गाँव में, बारेता गाँव है, मैं आपको क्लिप दूंगा। उसमें कम से कम 100 साधुओं को हमने कंबल दिए, भंडारा कराया और दक्षिणा दी। मुझे इतना आनंद आया मेरे करके, पहली बार मैं गया खैर पापा के साथ, बावजूद हमारे करते रहते चित्रकूट। अच्छा। में हमारा हर साल भंडारा होता है चित्रकूट के, चित्रकूट में जो इस टाइम तो योगी जी ने बहुत अच्छा उसको डेवलपमेंट किया है, और वहाँ की जो परिक्रमा करके जो आनंद आता है, मैं कहता हूँ इस टाइम कहीं की इतना आनंद नहीं आता। वहाँ एयरपोर्ट में योगी जी ने एयरपोर्ट बनवा दिया, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। जब से चित्रकूट हमारा होटल शालीमार बाग में सा है, कम से कम हर एक बंदा यहाँ का, हर एक निवासी चित्रकूट जा चुका है। धर्मशाला भी है, शिवर है, धर्मशाला है चित्रकूट में, वहाँ भी आप ठहर सकते हो जी। हमारा नाम लेके, ऐसी बात नहीं, हमारी धर्मशाला है। ओके, वहाँ जो उनकी दया दृष्टि जो है, मैं कहता हूँ निरंतर है।
अच्छा सर, मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं सर, आज 9 सालों में आप किस तरह बदलाव देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं लोगों में एक संस्कृति के प्रति लोगों में एक जागरूकता आ रही है? बिल्कुल है। जैसे अभी पीछे दुबई से एक आदमी आया था, बंदा आया था, उसने मेरे से आके मिला, बोले मोदी जी ने वो काम किया है कि 9 सालों में जो काम उन्होंने कर दिया कोई नहीं कर सकता, अनबिलेबल, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो वो कहता है कि हम अगर बाहर जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट इतनी होती है इंडियन के हिसाब से, देखते ब्लू कार्ड, इंडियन का ब्लू कार्ड है, अगर उसको ले आके हम दिखा देते ब्लू कार्ड है तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं हमसे। टोल टैक्स कई जगह टोल टैक्स नहीं लेते इंडियन के, तो आज कहेंगे हमारा गर्व है, गर्व है हमें, हमारी पहचान बनी आज। पहले क्या था, कुछ नहीं था, अभी विदेश विदेशों में पहले कुत्ता खा, इंडियन कुत्ता डॉग कहा था, ये कहता था, अब इंडियन को सर पर चढ़ा के रखते हैं, इतना अच्छा लगता है हमें, प्रफुल्ल होता है। हमारे मोदी जी ने इतना अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को इतना आगे बढ़ाया है कि उनका बहुत, मेरा हमारी छत पर जितने भारतीय हमारे हैं सबका 56 इंच घर से कह सकते हैं। हमारे जो मंडल का अध्यक्ष है नरेश जैन जी, वो भी हमें जो भी कोई भी काम हमें देते हैं हम पूरा उसको करने की कोशिश करते हैं कि, और जनेश जी हमारे इतने एक्टिव हैं, उनको तीस या चौथी बार अध्यक्ष बनाया हुआ है, और इतने एक्टिव हैं कि मैं कहता हूँ उनका, जैसे मैंने पूरी दिल्ली में अब तक अध्यक्ष देखा नहीं है। मंडल में हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ लेके चलते हैं, कहीं भी है हमारा, जैसे रेखा जी है कहीं जाते, अभी हर्षवर्धन जी आते थे तो हमें पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं, ये हमारे शिवरे जी हैं, ये हमारे अशोक जी हैं, परिचय कराते हैं, हमारे सबसे परिचय कराते हैं। और हमारे मंडल की खूबी है कि कहीं भी छोटा बड़ा हमें कोई नहीं है, अध्यक्ष जी हमें छोटा भाई मानते हैं, ऐसा नहीं है मैं मंत्री हूँ हमारे पत्र में, अगर कोई कार्यकर्ता भी है हमें हमारे लिए अध्यक्ष है। अच्छा, यहाँ से वार्ड 56 से अभी निगम पार्षद हैं रेखा गुप्ता जी, उनको 1 साल हो चुका सर, तो क्या क्या उपलब्धि है 1 सालों में सर क्षेत्र में? मैं कहता हूँ एक साल में इन्होंने जो कार्य किया है अनबिलेबल, कोई बखान नहीं कर सकता अपने लफ्जों के थ्रू, जो सुधार किया है, जो सफाई, मैं कहता हूँ पर डे, अब मैं अभी मैसेज दिखा दूँ आपको, इतने मैसेज डेली के होते हैं, यहाँ सफाई हो गई, इधर सफाई हो गई, जबकि उनके पास कोई भी कोष अध्यक्ष नहीं, कोष की राशि नहीं है, फिर भी जो उनसे हो सकता है उन्होंने किया। सर संजय, मुझे मेरा एक सवाल हो रहा है, जैसे भी लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ को लेके कांग्रेस ने भी कल का प्रदर्शन भी किया जंतर मंतर पे सर, तो कांग्रेस का कहना कहीं ना कहीं हमारा देश खतरे में मोदी जी के आने से, इस पर कुछ कहना चाहते हैं सर? ये जी कांग्रेस की फिजूल की अफवाह है कि देश बचाओ, देश अगर बचाना होता तो पहले ऐसे 70 साल पहले क्यों बचाया? जो मोदी जी कह रहे हैं अब देखो ना, पहले इससे पहले के इंडियन को क्या बोला जाता था जी, और अब क्या रिस्पेक्ट दी जाती है, इससे आप ही समझ सकते हो कि अब और पहले में क्या परिवर्तन है। मतलब आपको लगता है जो इंडिया जो अभी गठबंधन बना सभी पार्टियां जो अलायंस करके चुनाव लड़ रही है सर, इससे क्या लगता है आपको, उससे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ पड़ेगा इससे चुनाव में असर? नहीं, मोदी जी के जब उस एक्टिव चेहरा है मोदी जी का, उनके सामने कोई भी नहीं है, कोई नहीं, एक ही विकल्प है सर मोदी जी सर, वही ठीक है सर। और लास्ट में कुछ जनता में अपील देना चाहते सर, नया साल भी आ रहा है, नए साल के मौके पे कुछ कहना चाहते? नए साल की तरफ से मेरी तरफ से शुभकामनाएं और पूरे परिवार को शुभकामनाएं। 22 जनवरी को जो हम जो मोदी जी बिल्कुल जो रथ यात्रा चला रहे हैं श्री रामचंद्र जी पे, मैं कहता दिवाली की तरह उसको मनाएं और घर घर पहुँचाए संदेश, मेरा यही आश्वासन है। और मैं जय हिंद जय भारत जय श्री राम। तो यह हमारी सीधी बात संत कुमार संजय शिवहरे जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।